तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में है, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सेलरेशन को कौन सी कंडीशंस में डिफाइन कर रहे हो। तो अगर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो हम लोगों ने इसमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस कैसे दी थी वो देखो आप, और यही चीज टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन थे, कई सारे क्वेश्चन थे कि अगर हमारे पास एक लाइन है मान लो, और कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन पर स्टार्ट हो विथ सम स्पीड, जिसको आप कुछ स्पीड दे देते हो नाम, उसको यू कह देते हो, यू एक नंबर होगा, यूनिट मीटर पर सेकंड में, और कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम, ये डेफिनेशन चल रही है अभी आपकी, ये कल भी डिफाइन किया था हम लोगों ने क्लास में, कि कुछ टाइम बाद उसके पास स्पीड एक अलग हो जाती है और वो वी हो गई इन द सेम यूनिट मीटर पर सेकंड, और ये सब कुछ करने में जो टाइम लगा उसको, वो टाइम लगा टी का। तो यहां पर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन दी गई थी, तो ये कहा गया था कि एक्सेलरेशन डिफाइंड एज, इसकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अब इस स्टेटमेंट को मैंने कल एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप निकालते हो तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि वी माइनस यू, ये इसका मतलब है। और रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, रेट मीन्स पर यूनिट टाइम, यानी इसको टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसको जब टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसी चीज को हम एक्सेलरेशन के फॉर्म से डिफाइन करते हैं। पर जानते हो यहां पर एक प्रॉप एक यहां पर, क्योंकि तो आप एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये डेफिनेशन तब होती है, मतलब इस डेफिनेशन की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है इस तरीके से डिफाइन करने का, लिमिटेशन क्या है वो देखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से डिफाइन करने के लिमिटेशंस क्या हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन मान लिया हमने, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, फिर थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, इस तरीके से चल रहा है वो, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटीज हैं, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उसके पास एक वेलोसिटी है, यहाँ पर उसके पास एक वेलोसिटी है, यहाँ पर उसके पास वेलोसिटी है, और यहाँ पर। अब मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करूंगा, आप उसके हिसाब देखना। मान लो यहाँ पर उसके पास जो वेलोसिटी है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से 0 मीटर पर सेकंड है, फिर आगे चलते हैं तो उसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर आगे चलते हो तो उसकी वैल्यू मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड होती है, फिर आगे चलते हैं तो उसकी वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड होती है। और टाइम क्या होता है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो 0 है, यहाँ पर टाइम हमारा मान लो 2 सेकंड्स का है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 4 सेकंड्स है, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू सपोज करो 6 सेकंड्स है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। अगर आप ये देखो कि पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पर पैटर्न ऑफ वेलोसिटी क्या बन रहा है, अगर आप एक पैटर्न देखो, ठीक है ना। पैटर्न का मतलब, जैसे अगर आप ना पैटर्न का मतलब अगर आप मेंटल एबिलिटी में आओ, तो मेंटल एबिलिटी में क्या करते हो, जैसे आपको पैटर्न का मतलब क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे, 1 3 5 7, तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे कि अगर एक 1 3 5 7 है तो आप गेस कर लेते हो कि अगला नंबर क्या आएगा, क्योंकि तो एक रिपीटेटिव पैटर्न है। तो यहाँ पर भी एक रिपीटेटिव पैटर्न है, और क्या रिपीटेशन चल रही है, अगर आप ध्यान दो तो पैटर्न क्या चल रहा है, 2 सेकंड के अंदर जब आपका टाइम 2 सेकंड इंक्रीज करता है, तो आप यहाँ पर चार चार से इंक्रीज करते हो, यानी यहाँ पर +4 करते हो, जब टाइम के अंदर +2 हो रहा है तो यहाँ +4 हो रहा है, फिर 2 से 4, यानी फिर आपने टाइम में 2 ऐड किया, तो फिर आप यहाँ पर +4 ऐड कर रहे हो, फिर जब आप 4 से 6 कर रहे हो, यानी कि टाइम में 2 ऐड कर रहे हो, तो फिर आप 8 से 12 यानी कि +4 ऐड कर रहे हो। तो इस पैटर्न को अगर आप समझते हो,
अगर आप इस पैटर्न को समझते हो तो आप ये बताओ कि जब 9 सेकंड हो जाएंगे तो क्या वेलोसिटी लिखी जाएगी, उस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी। अगर आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है तो आप बताना कि अगर 2-2 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स के अंदर वेलोसिटी में 4 ऐड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ तो प्लस 4 हो गया, फिर 2 सेकंड हुआ प्लस 4 हो गया, तो अगर 6-9 यानी कि 3 सेकंड्स ले लें, अगर यहाँ पर 3 सेकंड्स ऐड करें तो यहाँ पर और कितना ऐड कर दें, 12 में क्या ऐड कर दोगे आप, इसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो 18 आंसर आ रहा है अंकित अभ्युदय सबका, 18 आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 सेकंड्स में हम, आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसके अंदर, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा वेदिका, 18। तो आप ये 18 कैसे ला रहे हो, एक फिक्स पैटर्न पे, ठीक है, और इस फिक्स पैटर्न में क्या हो रहा है कि पैटर्न ऑफ वेलोसिटी क्या है कि ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड, बिकॉज 2 सेकंड्स में अगर वो 4 इंक्रीज कर रहा है तो एक पैटर्न आ रहा है कि इट इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक में, कोई भी 1 सेकंड ले लो आप, कोई भी 1 सेकंड, उसमें वो 2 से ही इंक्रीज करेगा। इस टाइप के पैटर्न को कहते हो आप कि द ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस पैटर्न को आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, कि अगर हर 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल अमाउंट से बढ़ती है तो हम ये कह देते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और इसी पैटर्न के लिए ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, इट इज ओनली फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अदरवाइज इस फॉर्मूले को इनवैलिड मानते हैं, ये फॉर्मूला वर्कआउट नहीं करेगा। इसको वर्क करने के लिए इस टाइप का एक पैटर्न होना चाहिए वेलोसिटी के अंदर, कि वो किसी भी 1 सेकंड के अंदर उतनी ही वैल्यू से इंक्रीज करे या फिर उतनी ही वैल्यू से डिक्रीज करे, दोनों चीजें हो सकती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा, एक सेकंड, क्या डाउट आया भाई। हाँ श्रेष्ठ विश्वकर्मा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ अभी उसी पे आ रहा हूँ, पहले आप एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ लो फिर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं पहले, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, मान लो हमारे पास पैटर्न अब दूसरा है, पैटर्न हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसने स्टार्ट किया यहाँ से, थोड़ी देर बाद और आगे आया, थोड़ी देर बाद और आगे आया, इस तरीके से वो ग्रेजुअली टाइम के साथ इंक्रीज करता जा रहा है अपने आप को, ठीक है, इस पैटर्न पे चल रहा वो, अब इस पैटर्न पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन टाइम का पैटर्न क्या है वो देखिएगा, टाइम वाला पैटर्न। तो टाइम वाला पैटर्न कुछ ऐसा है, यहाँ पर टाइम 0 सेकंड्स है, यहाँ पर टाइम आपका मान लो 2 सेकंड्स है, यहाँ पर 4 सेकंड्स है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, यहाँ पर 6 सेकंड्स है, ये 6 है, 4 नहीं, ये 6 सेकंड्स है, एंड देन यहाँ पर मान लो 8 सेकंड्स है। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि यार यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 22 मीटर पर सेकंड है, तो ये बताओ यहां पर कितने मीटर पर सेकंड होगा, क्या कोई पैटर्न है यहां पर, देखो क्या कोई पैटर्न है, मतलब पैटर्न का मतलब होता है जिसको आप गेस कर सको, तो क्या 0 से 4 देखना, क्या ये कोई पैटर्न है, देखो क्या क्या कोई पैटर्न है, 0 से 4 जाए तो इसमें प्लस 4 हो गया, 4 से 10 गए
तो प्लस 6 हो गया, 10 से 22 गए तो प्लस 12 हो गया। अब क्या करोगे, क्या पैटर्न है? आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ पैटर्न है इसके अंदर, है ना? वेदिका, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ये हम बोलते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन तो है, बट इस केस में जो एक्सेलरेशन हुआ, आप ये बोलोगे कि जो एक्सेलरेशन यहां पर मिल रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, सो इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 8 seconds। पिछले वाले क्वेश्चन में आप सब ने आंसर दिया था, बट क्योंकि वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक इररेगुलर पैटर्न है, इररेगुलर पैटर्न। कभी उसका इंक्रीमेंट प्लस 4 होता है, कभी उसका इंक्रीमेंट प्लस 6 हो जाता है, फिर प्लस 12 हो जाता है। तो ये एक रैंडम और इररेगुलर इंक्रीमेंट है। तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म होगी इस केस में। तो यहां पर अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, अगर आप यहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे कि वी माइनस यू बाई टी, तो ये फॉर्मूला ऐसे केसेस के लिए इनवैलिड फॉर्मूला है, इट इज द इनवैलिड फॉर्मूला। और ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं जहां पर एक्सेलरेशन का कोई एक पैटर्न नहीं है, तो यहां पर आप इंट्रोड्यूस करते हो अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। यहां पर हम एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे, और दिस इज डिफाइंड एज बाय द सेम फॉर्मूला वी माइनस यू बाई टी, बट दिस इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मान लो मैं 0 सेकेंड से लेकर के और 4 सेकेंड की बात करूं, 0 से 4 सेकेंड, तो 0 से 4 सेकेंड के बीच में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और टाइम हो गया 4 सेकेंड का। तो अगर आप ये फॉर्मूला यहां पर लगाते हो तो 10 - 0/4 है ना, विच गिव्स यू 2.5। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ये कहोगे कि ये एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, ये किसी पर्टिकुलर टाइम का एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये आप इंटरवल कोई भी चूज कर सकते हो, ये इंटरवल आप कोई भी चूज कर सकते हो। मतलब मान लो मैंने इंटरवल और चूज किया, मैंने कोई और इंटरवल चूज किया, मैंने इंटरवल चूज किया 2 सेकंड से लेकर के और 6 सेकंड तक का, मेरा ये इंटरवल है 2 सेकंड से 6 सेकंड। तो जब आप 2 से 6 सेकंड का इंटरवल लोगे तो यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो जो आपका इंटरवल है वो जहां पर स्टार्ट हो रहा ना, 2 सेकंड पर आपका इंटरवल स्टार्ट हुआ है, तो 2 सेकंड वाली वेलोसिटी 4, इसको आप यू मान लेंगे, और वो इंटरवल जहां पर एंड होगा यानी कि 6 सेकंड, वहां वाली वेलोसिटी यानी कि ये 22 मीटर पर सेकंड, इसको हम v मान लेंगे। तो v की जगह पर 22, u की जगह पर 4, और 2 और 6 के बीच का गैप यानी कि 4 सेकंड्स, तो ये 18/4 यानी कि 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो ना, यहाँ पर अलग वैल्यू आई, यहाँ पर अलग वैल्यू आई, और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, कोई पैटर्न नहीं है। तो अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग एवरेज वैल्यू आएगी, डिफरेंट इंटरवल्स डिफरेंट एवरेज वैल्यूज। सो द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर द वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अ रैंडम वे, इट इज नॉट इन अ फिक्स्ड पैटर्न, इट इंक्रीजेस बाय रैंडम प्रोसेसेस, समटाइम्स इट इंक्रीजेस बाय लेस अमाउंट, sometimes it increases by more amount, or maybe sometimes it can decrease instead of increment. मतलब कुछ भी predict ना हो पाए जहां पर, वो आप कह सकते हो that is non-uniform. ठीक है, चलिए next देखते हैं। तो हम लोग का जो syllabus है, हम लोग अपनी current studies को uniform acceleration में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चलेगा अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आओगे तो उसका उसका उसकी स्टोरी अलग है, उसकी स्टोरी फिर वही हो गई,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जिस लाइन पे आप चलोगे उस लाइन पे कुछ ऐसा होना चाहिए आपके साथ कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए, ठीक है जी, फिर और आगे बढ़ गए, तो आप कहीं का कोई भी इंटरवल चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर हमारी वेलोसिटी यू है, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी वी वन है, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी वी टू है, और यहाँ पर मेरी वेलोसिटी वी थ्री है, यहाँ पर टाइम टी थ्री है, यहाँ पर टाइम टी टू है, यहाँ पर टाइम टी वन है, और ये टाइम जीरो है, तो आप कोई भी इंटरवल चूज करो, कोई भी इंटरवल, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ये वाला इंटरवल चूज करूं जीरो से लेकर के टी वन तक का, तो इस इंटरवल में वी वन फाइनल वेलोसिटी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय इंटरवल टी वन। अगर मैं इंटरवल यहां से यहां तक का चूज करता तो इस वाले इंटरवल के लिए क्या करते आप, वी टू माइनस यू अपॉन टी टू। और अगर आप ये पूरा बड़ा वाला इंटरवल चूज कर लो यहां से लेकर के यहां तक का, ये पूरा इंटरवल, तो इस इंटरवल में आपका आंसर आएगा v3 माइनस u डिवाइडेड बाय t3। कोई भी इंटरवल चूज करें अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और आप ये कोई भी इंटरवल का मतलब इसके अलावा भी इंटरवल ले सकते हो। मान लो अगर आप ये वाला इंटरवल लो यहां से v1 से v2 वाला इंटरवल, तो इस वाले इंटरवल में क्या करोगे, फाइनल v2 माइनस v1, तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस वैल्यू विल ऑल्सो भी इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय जो टाइम यहाँ पे होगा v2 और v1 के बीच का, तो ये t2 टाइम है, ये t1 टाइम है, तो यहाँ पर आप t2 माइनस t1 भी कर सकते हो। कहने का मतलब कोई भी इंटरवल लोगे आपको सेम आंसर मिलेगा, बिकॉज ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा इंटरवल चूज किया है, कौन सा इंटरवल नहीं चूज किया है, यू विल ऑलवेज गेट सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, इन सारे केसेस में पैटर्न अगर आप समझ गए, पैटर्न देखो समझ गए होगे, तो आप देखो इन सारे केसेस में हम क्या कर रहे हैं, इन सारे केसेस में हमें कुछ रिजल्ट्स ड्राइव करने होते हैं, और वो रिजल्ट्स क्या है वो देखिएगा क्या रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट देखो, मान लो एक बार फिर से ये स्ट्रेट लाइन है जहां पर पार्टिकल को चलना है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गया जिसके ऊपर पार्टिकल को चलना है, और तो यहाँ पर हम अगर ऐसे माने कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल थोड़ा सा आगे आया, ऐसे मान लें कि स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल आगे चला गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे ना, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर u वेलोसिटी थी, ठीक है, और कुछ टाइम बाद इसके अंदर v वेलोसिटी हो गई, तो और ये टाइम अगर आप यहाँ पर जीरो लिखते हो और यहाँ पर टाइम की वैल्यू t सेकंड्स कर देते हो, ये टाइम t है, और इस बीच में आपको ये पता है, ठीक है ना, आपको ये चीज पता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है वो a है, और ये भी पता है कि वो यूनिफॉर्म है। तो ऊपर के एग्जांपल को देखना आप, इस एग्जांपल को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप कोई भी इंटरवल चूज कर लो, ठीक है ना, कोई भी इंटरवल, तो इस इंटरवल के हिसाब से आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी दैट a विल बी v माइनस u अपॉन t, और इसी से आप एक इक्वेशन डिराइव करते हो जिसको कहते हो v इक्वल्स टू u प्लस at। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस में एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसके अंदर एक और चीज आती है, देखो क्या इसके अंदर और क्या चीज आएगी, देखिए इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि इसके अंदर पार्टिकल ने क्या डिस्टेंस कवर करी होगी, मतलब यहां से यहां आने में ये कितना डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया होगा इसने, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये कैसे निकालेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। देखो तो यहां पर क्या है, यहां पर हम एक वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी यहां पर कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो क्या करें इस एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारी स्टार्टिंग में वेलोसिटी है u, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई v, और ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे बढ़ रहा है, मतलब
एक रेगुलर पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हो आप, रेगुलर पैटर्न पे, ठीक है ना। ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है, ये एक रेगुलर पैटर्न है। तो जहां जहां पर रेगुलर पैटर्न आएंगे, जहां पर एक फिक्स पैटर्न होगा, रेगुलर पैटर्न होगा, वहां पर आप एवरेज को स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो। स्टैट्स का मतलब होता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, डेटा। और वहां पर एवरेज को आप मीन भी कहते हो, मीन वेलोसिटी। और मीन कैसे निकालते हो, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये काम कर सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस काम को करने के लिए आपका जो डेटा है, वेदिका, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, इस पैटर्न को मैंने देखो प्रीवियस क्लासेस में मना किया है कि एवरेज ऐसे नहीं निकालते, लेकिन जहां पर वेलोसिटी एक फिक्स पैटर्न पे चेंज होती है, फिक्स पैटर्न पे मतलब कि सेम पैटर्न है उसके इंक्रीज होने का या सेम पैटर्न है उसके डिक्रीज होने का, ये वाली कंडीशन कि कोई भी टाइम इंटरवल चूज कर लें, आपको एक्सेलरेशन सेम मिल रहा है। तो अगर ये कंडीशन मिल रही है जिसको आप कहते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आप एवरेज की जगह पर मीन वेलोसिटी भी कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि ये मीन वेलोसिटी है। और नाउ इट विल बी डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस टी को इधर लेके जाते हैं। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं कि एस अपॉन टी विल बी यू, और जो यहां पर आप वी देख रहे हो, ये वी हम यहां से लाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से वी को यहां ले जाओ। तो ये यू प्लस वी की जगह हो जाएगा यू प्लस ए टी एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकंड पैटर्न है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन हो गई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एक तीसरा पैटर्न भी आता है इसके अंदर, थर्ड इक्वेशन भी आती है, तीन इक्वेशन आती हैं इसके अंदर। उन तीन इक्वेशन से हम किसी भी बॉडी के जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे अगर चल रही है तो उसके मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करा जा सकता है। उसके लिए तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी वो देखो आप। तो तीसरी इक्वेशन के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्पेस क्रिएट करने दीजिए, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन देखो कौन सी होगी। थर्ड इक्वेशन के लिए ये जो इक्वेशन है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे। तो v स्क्वायर और यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो ये फॉर्मूला होता है उसका कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर करते हो तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से हो जाता है। तो यहां पर ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस a t, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा मुझे। अभ्युदय, आई एम अनेबल टू हियर यू। अभ्युदय देखो वॉइस, देखो क्या प्रॉब्लम होने लगी, क्या वॉइस की। अभ्युदय अभ्युदय और भी किसी को प्रॉब्लम है बच्चा? वेदिका और जो बच्चे और है वसुंधरा, है ना, देखो आप, क्या तुम लोग को भी दिक्कत हो रही है इसमें, वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं वेदिका, कार्तिक, नो मीन्स व्हाट? अच्छा इट्स क्लियर वेदिका, इट्स क्लियर, इट इज क्लियर। अब इधर चेक योर कनेक्शन देन कार्तिक, इट इज कमिंग, योर वॉइस इज क्लियर वसुंधरा, अच्छा वॉइस इज कमिंग। तो अभ्युदय चेक करो बच्चा, मेरे ख्याल से तुम्हारे एंड पर दिक्कत हो रही है फिर वॉइस की, ठीक है, इसको चेक करो जल्दी से तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है अंकित। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाए यहां पर। देखिए तो हम लोग इसको डिराइव कर रहे थे ना, उसको डिराइव कर ले फिर से। तो ये जो इक्वेशन थी,
ये हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए टी, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर टू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आप यहां पर टू मल्टीप्लाई कर लो और टू डिवाइड कर लो, देन आपके सामने आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए को हम आउटसाइड ले जाते हैं, सॉरी एक यहां पर यू भी आएगा है ना, ट्वाइस ए बी होता है, टू टाइम्स ऑफ ए बी, तो ये यू मिस हो गया था हमसे, यहाँ पर एक यू का भी फैक्टर आएगा, तो यहाँ पर एक यू भी होगा, ठीक है ना, यू विल हैव यू आल्सो, वो टाइम मिस हो गया था मुझसे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर में ये चीज मिस हो गई थी, यू स्क्वायर प्लस टू ए टी यू प्लस ये चीज। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू ए कॉमन ले लिया है, तो टू ए जब कॉमन ले लेंगे, टू ए इस टू ए को जब आप बाहर लेके जाओगे, टू ए को आउटसाइड, तो आपके पास यू और टी बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ यू इंटू टी बचा प्लस यहां से ये टू चला गया और एक ए इसमें से निकल गया, टू और ए निकल गए, तो एक ए बचेगा आपके पास और नीचे ये टू बचेगा, तो ये वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर हो गया। अब ये जो पूरा फैक्टर है ये आपका सेकंड इक्वेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर तीसरी इक्वेशन ये बन जाती है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, और यहाँ पर तीसरी इक्वेशन कैपिटल एस हो जाती है, ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन नाउ। ओके अभी दे, ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा इसमें। हाँ जी कार्तिक बताओ। सर इसको फिर से समझाएंगे सर, ए एस कहाँ से आया सर, ए सर बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सर, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर सर, एस कैसे आया? देखो समझा रहे हैं, ये जो आखिरी स्टेप है लास्ट स्टेप, देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप पे देखना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ये पूरा टर्म क्या है आपके लिए, ये यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना, यहाँ तक समझ आया? तो सेकंड इक्वेशन देखो ना, सेकंड इक्वेशन में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस, तो मैंने इस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हटा दिया क्योंकि ये चीज इक्वल है कैपिटल एस के, तो ये पूरी चीज अगर हमारी इक्वल टू कैपिटल एस है तो हम इस सबको हटा देंगे यहाँ पर, और इसकी जगह पर एस पुट कर दिया मैंने, और टू ए तो पहले से ही है यहाँ पर, आया समझ में? यस सर अब समझ गया, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन से बच्चा तीनों डिराइव हो गई है हमारे पास, तीनों इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल टू u प्लस 80 और s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आप देखो, चलो कार्तिक म्यूट कर लो बच्चा, देखो अब हम लोग इसको सेव कर दे पहले, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, ये तीन इक्वेशंस हो गई, अब इनको कैसे यूज करना है वो देखना है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चा, देखो कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन हमारे सामने ऐसी भी हो सकती है कि एक बॉडी चले, ठीक है, और वो बॉडी जो चले उसकी स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर चलो और उसके बाद मान लो आगे बढ़े और आगे बढ़े और स्पीड कम होती जा रही है, इसकी स्पीड रिड्यूस कर रही है, बढ़ नहीं रही है, तो इसमें क्या होगा, मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर आप एक एग्जांपल समझना है, सपोज दैट हमारे पास यहाँ एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड का है, फिर आगे चल करके वो कम हो गया और ये 6 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, रिड्यूस कर गया, ये टाइम टी इक्वल टू जीरो है और ये वाला टाइम टी इक्वल टू टू है, और उसके बाद और रिड्यूस कर गए 2 मीटर पर सेकंड हो गए जब ये टाइम 4 हो गया, तो ये एक रेगुलर पैटर्न होगा, देखो रेगुलर पैटर्न चल रही है, रेगुलर पैटर्न कैसे चल रहा, यहाँ पर 2 सेकंड ऐड कर रहे हैं तो आप माइनस 4 कर रहे हो, 10 माइनस 4, फिर आपने 2 सेकंड बढ़ाए, 2 सेकंड और ऐड किया
तो 6 में से 4 सबट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको आप कह सकते हो कि ए जो है वो यूनिफॉर्म है यहाँ पर, ए यूनिफॉर्म। अब ए कितना है वो भी देखो, तो ए की जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, आप देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कोई भी इंटरवल चूज करो, आपका तरीका फिक्स होना चाहिए, आप ये अपने आप पता लगा सकते हो। अगर आप ये वाला इंटरवल चूज करते हो तो ए कितना होगा, इसके लिए फाइनल क्या है 6, इनिशियल क्या है 10 और टाइम क्या है 2। आप ये वाला चेक करो, तो जब ये वाला चेक करोगे तो ए कितना आएगा, फाइनल 2, इनिशियल वैल्यू 6 और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम 2 से 4 तक का है गया, यानी कि 2 सेकंड्स। और आप चाहो तो कोई और इंटरवल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, आप इंटरवल यहां से यहां भी ले सकते हो पूरा। तो अगर हम यहां से लेकर के पूरा यहां तक देखें, यहां तक, तो मैं ए को क्या लिखूंगा, फाइनल 2 है ना, फाइनल इज 2 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन टोटल टाइम फिर 0 से, चलो 0 से 4 तक जा रहे हो आप। अब आप चेक करो, ये सारी वैल्यूज बराबर आएंगी, ठीक है ना, ये सारी, ये वैल्यू भी माइनस 2 आएगी, ये वैल्यू भी माइनस 2 आएगी और ये वैल्यू भी माइनस 2 आएगी, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म कह रहे हो, क्योंकि कोई भी इंटरवल चूज कर रहे हो, कोई भी इंटरवल, तो आपको सेम एक्सेलरेशन मिल रहा है, और इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट ये एक्सेलरेशन माइनस में है, तो ए इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मतलब है इसका, इसका कोई मतलब है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है, माइनस में क्यों आंसर आ रहा आपका, ठीक है, तो माइनस में आंसर आ रहा है क्योंकि हमारी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो सिग्निफिकेंस इज कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्डेट कर रहा है, इज रिटार्डेट, सिग्निफिकेंस इज रिटार्डेशन, हाँ, बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन इट इज माइनस, ये आप कह सकते हो। अब देखो, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2, ठीक है, टी इक्वल टू 2 तक के लिए, तो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो 0 से 2 तक, ठीक है जी, एक सेकेंड, सॉरी, देखो तो 0 से 2 सेकंड्स में अगर आप देखो, तो जब 0 पे थे